हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा करेले की रेसिपी। इस तरह से करेले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे 8 से 10 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसे बनाना एकदम आसान है। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप एकदम आसान तरीके से भरवा करेले कैसे बना सकते हैं। और यकीन मानिए, ये करेले इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं कि आप एक की जगह चार चार करेले बिना रोटी के ही खा जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फटाफट से भरवा करेले की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भरवा करेले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए करेले। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 700 ग्राम करेले। सबसे पहले हम इनको छील करके तैयार करेंगे। तो इसको इस तरह से हम कट कर देंगे और उसके बाद हम इसे छील लेंगे। देखिए, चाकू से हम इसका छिलका उतार देंगे। हल्का हल्का ही उतारना है छिलका। तो ये देखिए, इस तरह से करेले को हमने छीलना है पहले। और ये जो छिलके हैं इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम इसकी फिलिंग के लिए यूज करेंगे। और करेला कितना हेल्दी होता है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है। और इस तरह से छीलने के बाद पहले हम इसी तरह से सारे करेले छील करके तैयार करेंगे। अब लीजिए, सारे करेले हमने छील लिए हैं। अब हम इसके बीज अलग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे बीज इसके निकाल दिए हैं। और सारे करेले हम बीज निकाल करके इसी तरह से तैयार करें। देखिए, इस तरह से हमने सभी करेले के बीज निकाल दिए हैं। सभी करेले हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। और इसके साथ ही हमने ये इसका छिलका भी अलग कर लिया है। इसको हम इसके मिक्सचर इसमें फिल करेंगे, उसमें हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो अब हमें करेले को करना है बॉयल। उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और उसको गर्म होने रख दिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून छोटा चम्मच नमक। और नमक को पानी में मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे करेले। तो हाई फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। तो इसको हम 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। तो करेले को हमने 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है बॉईल होने के बाद। इस तरह से ये हल्के से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से। तो इतना हमें इनको पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल बॉईल नहीं करना है। अब फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे तुरंत हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो अब ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इनका पानी हम निकालते हुए, बिल्कुल भी इनके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। और फिर हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनके अंदर पानी रहेगा तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो तेल में ये फिर तेल में पानी के छींटे बन जाएंगे। और इसलिए पानी इनका बिल्कुल अच्छे से निकालना है। इस तरह से जब हम हल्का सा बॉईल करके करेले बनाते हैं तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। नमक वाला गर्म पानी बचा है, इसके अंदर हम करेले के छिलके हैं उनको हम डाल देंगे। और इसे लगभग हम 1 मिनट के लिए इसी पानी में रहने देंगे। और अब इसे इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। ठीक है, सारे छिलके से हमने पानी निकाल करके अलग कर दिया है। अब हम करेले में फिल करने के लिए मसाला बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। इसमें मैंने डाला है 1/2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। ऑयल बिल्कुल अच्छे से पक गया है और हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ। और इसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमने करेले का जो छिलका है उसको करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच नमक या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और सभी मसालों को एकदम अच्छे से मिक्स करके मैं ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब सभी प्याज और मसाले एकदम अच्छे से भुन गए हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ कच्चा आम, कच्ची कैरी भी जिसे बोलते हैं। अब
अगर आपके पास कच्ची कैरी नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कच्ची कैरी या आमचूर पाउडर दोनों में से एक चीज़ का यूज आपको करना है। और अब इस तरह से हम इस मसाले को मैश करते हुए पकाएंगे। और अब लीजिए, करेले में फिल करने के लिए मसाला एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है, इसे हम करेले में फिल करेंगे। तो इस तरह से चम्मच से हम इसको फिल कर देंगे। और देखिए, इस तरह से मिक्सचर भरना है और उसके बाद धागे से हम इसको इस तरह से धागा लपेट देंगे इसके ऊपर, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो इसमें से मिक्सचर बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। ऐसे सारे करेले में मिक्सचर भर के हम तैयार करेंगे। करेलों में हमने मसाला फिल करके तैयार कर लिया है और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। और अब करेले फ्राई करने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। मैं यहाँ पे इसको सैलो फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब ऑयल गर्म होने के बाद इसे एक एक करके करेले रखेंगे हम। करेले एक साइड से सीख गए हैं, इनको हम पलट देंगे। करेले दूसरी साइड से भी सीख गए हैं, इनको हम फिर से एक बार पलट देंगे। और अब करेले को हमने ढक करके 2 मिनट और पका लिया है। अब जो हमारे करेले हैं वो एकदम रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट कलर आया है। बस अब फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और करेले सर्व करने के लिए हमने एक प्लेट ले ली है, इसके अंदर हम करेले सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सर्व करते टाइम आप इनके धागे हटा दीजिएगा। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।